हजारीबाग के बरही में रामनारायण मेमोरियल कॉलेज में स्वर्गीय रामनारायण यादव की आदमकद प्रतिमा का अनावरण विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति मुकुल नारायण देव 5 दिसंबर को करेंगे। इस कार्यक्रम में कई स्कूलों और कॉलेजों के प्राचार्यों को आमंत्रित किया गया है। हजारीबाग जिले के बरही में रामनारायण मेमोरियल कॉलेज में स्वर्गीय रामनारायण यादव की आदमकद प्रतिमा का अनावरण विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति मुकुल नारायण देव कल करेंगे। दिन रविवार को ये कार्यक्रम आयोजित होगा और इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। आसपास के स्कूलों और कॉलेजों के प्राचार्यों को भी आमंत्रित करते हुए इसे खुशी का विषय बताया गया है। स्वर्गीय रामनारायण मेमोरियल कॉलेज को शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए कई दशक हो चुके हैं और ऐसे में ये कहा जा सकता है बरही के दूर दराज गाँव से आने वाले छात्र यहाँ शिक्षा लेकर उच्च शिक्षा की अपनी इच्छा पूरा करते हैं। मुखर संवाद के लिए बरही से ब्यूरो रिपोर्ट। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। स्वर्गीय रामनारायण यादव जी के स्मृति में यह कॉलेज का नाम रखा गया था, तो उन्हीं की स्मृति में उनकी प्रतिमा का अनावरण कल किया जाना है माननीय बीसी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा। और यह कार्यक्रम 11 बजे से शुरू होगा और उसके बाद तक चलेगा। उस्ताद आफत में पड़ी है जान। उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद।